बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल कलर क्वीन सीमा अली। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैक एंड चीज़। जी हाँ, हम बनाएंगे मैक्रोनी विद चीज़। कैसे बनते हैं ये चीज़ वाले मैक्रोनी, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो पसंद आ जाए तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। मैक एंड चीज़ के सारे इंग्रेडिएंट्स आप सबके सामने हैं। इन सब से हम बनाएंगे डिलीशियस क्रीमी मैक्रोनी एंड चीज़। सबसे पहले मैक्रोनी को बॉयल करेंगे, जिसके लिए पैन में 1 जग वाटर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून साल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख लीजिएगा। कवर करके बॉयल आने देंगे। अब बॉयल आ गया है, आप 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब साथ ही एल्बो मैक्रोनी, जो मैंने 250 ग्राम लिए हैं, तकरीबन हाफ पैकेट है, वो ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कवर करके बॉयल आने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 10 टू 12 मिनट में पास्ता बॉयल हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। इतने भी सॉफ्ट नहीं करने जो मैश हो जाए, यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और पानी स्ट्रेन कर देंगे। अब चीज़ सॉस बनाते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल के साथ 3 टू 4 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और साथ ही 1 टीस्पून गार्लिक चॉप्ड की हुई, वो ऐड करके और सॉटे करेंगे। कुछ देर सॉटे करने के बाद 1 स्मॉल साइज ऑनियन चॉप्ड किया हुआ ऐड करेंगे और थोड़ी देर सॉटे करेंगे, जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। 1.5 कप मिल्क शामिल करेंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून ऑल पर्पज फ्लोर मैदा शामिल करके मिक्स करेंगे। अब इस मिक्सचर में बॉइल्ड मैक्रोनी ऐड करेंगे। मैक ऐड करने के बाद दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून वाइट पेपर्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 3 टेबलस्पून टमाटो केचप और टमाटो गार्लिक सॉस। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और साल्ट टू टेस्ट, ओरिगानो 1 टीस्पून वो ऐड करके और सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़ी देर लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से, और फिर हम चीज़ ऐड करेंगे, जिसमें चेदर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों ही हैं, वो ऐड करेंगे। साथ ही 1/4 कप क्रीम का वो भी इस्तेमाल करेंगे। कवर करके लो फ्लेम पर रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, या जब तक चीज़ डिज़ोल्व ना हो जाए तब तक करेंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद कवर रिमूव करेंगे। 80% तक चीज़ डिज़ोल्व हो चुका है, बाकी जो रिमेनिंग चीज़ है उसको ऐसे ही मिक्स करेंगे। जनाब, तो ये हमारा मैक एंड चीज़ आपके सामने है। बहुत चीज़ी बने हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल, खुशबूदार, बटर की और चीज़ की और स्पाइसेस की प्यारी सी खुशबू आ रही है। आज तो वेदर भी बहुत ही प्यारी है, हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है, और ऐसे में मैक एंड चीज़ हमारे सामने हो तो भूख बहुत ही इन्हांस हो रही है। और ये देखें जनाब, ये क्रीमी पास्ता बहुत यमी बने हैं। मैक एंड चीज़ पास्ता रेडी हो गए, यही चाहिए, ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। और अब डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी मैक एंड चीज़ की, मैक्रोनी विद चीज़ की। बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप ये बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
की रेसिपी के लिए अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयरिंग याद से कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।